के लिए, मतलब चीजें लेने के लिए, क्योंकि अभी आप सबको पता है कि एनिवर्सरी में जो है वो ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। कितने दिन बचे होंगे, मुझे लगता है 15 दिन अगर देखा जाए तो 14 डेज बचे होंगे। और उसमें अभी किसी के कोई भी कपड़े नहीं बने, किसी की कोई चीज नहीं आई, तो छोटी मोटी चीजें हमने सोचा लेने के लिए निकले। आगे हमने गए नहीं तो मॉल से वापस आ गए रिजा का एक बैग लेके। तभी हम थोड़ा घर के अपने काम वाम देख रहे थे, वो भी करना जरूरी है, बाहर के भी घर के भी सारी चीजें साथ साथ चल रही है। टाइम बहुत कम बचा है एनिवर्सरी का हमारी, और सब लोग बीमार पड़े हैं यार। यहाँ पहले सबा बीमार थी, अब रेहान बीमार पड़ गया, तो अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। कल जाएंगे, कल शायद नहीं जाएगा उसका एनिवर्सरी की ड्रेस बन के आएगी अब उसी के टाइम पे। वो नहीं, दूसरा कलर है। ये अम्मी हमने हैदराबादी ज्वेलरी पसंद की थी, हैदराबाद की सबसे फेमस चूड़ी जो दुल्हन पहनती है शादी के दिन। हाँ, ये जो आलिया थी ना, उसने पसंद किया था ये कलर, बोल रही थी ये कलर ले लो सब पे चलेगा। गिरे है ना, गिरे, एक चीज वहाँ फेमस है कोई। हाँ। कितनी बड़ी चूड़ी की दुकान, कितनी अम्मी उस जरदोजी वाली भी थी, इतनी अच्छी चूड़ी ले नहीं पाए, टाइम नहीं था अम्मी, और फ्लाइट से आने के चक्कर में ना। एक छोटा सा तोहफा अम्मी आपके। सबा सनी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारियों में लगे हुए हैं, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि सनी सबा जाने वाले हैं मोदा। हाँ, हैदराबाद से मुंबई पहुंचने के बाद सबा ने बताया कि हैदराबाद में उनका आउटफिट रेडी हो रहा है, और फिर जब वो एनिवर्सरी पर जहां भी सेलिब्रेशन होगा, वैसे तो मोदाहा में वेन्यू फिक्स हो गया है, बट अगर मुंबई में भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन होगा तो सबा वो भी हमारे साथ डिस्कस करेंगी, और वो फाइनली जो पहनने वाली है वो अब वेडिंग एनिवर्सरी पर ही दिखाएंगी। और वो उन्होंने ये चीज़ सस्पेंस रख दिया, और उन्होंने वहाँ पर जो एक बार ट्राई किया थी पर्पल ड्रेस, उसको लेकर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें ट्रोल किया, और कहा कि क्योंकि उन्होंने रिसेप्शन पे भी पर्पल कलर पहना था और अब भी वो पर्पल चूज़ कर रही थी, तो इस चीज़ को लेकर सबा ने अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर लिया। और अब वो क्या पहनेगी वो उन्होंने अपने फैंस को भी नहीं बताया, क्योंकि लोग जो है वो पहले से ही ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, इसलिए सबा अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का आउटफिट अपने एनिवर्सरी पर ही दिखाएंगी। और सबा एक नई नवेली दुल्हन की तरह हमारे सामने आने वाली है, तो वेडिंग एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन के जो भी व्लॉग होंगे हम आपके लिए उनकी अपडेट लेकर आएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और सबको अपनी दुआएं भेजते रहें।